हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑल इन ग्लोबल फॉर्च्यून एग्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट में आप सबका स्वागत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में वैसे हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, तो मुझे आज ऐसे लगा कि अरे सच में अगर आपको स्कोप पता चले तो क्यों ना ऐसा भी बिजनेस किया जा सकता है कि सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ वहाँ ढूंढो, इंडिया में क्या है कैसा है और फिर उसको एक्सपोर्ट कैसे करें इसके बारे में जाने। तो क्यों ना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक जो रिसोर्सेज बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है उसको क्यों ना इम्पोर्ट किया जाए, हो सके तो कुछ प्रोसेसिंग किया जाए और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और आइदर इम्पोर्ट करो और फिर से रीएक्सपोर्ट करो। सो वॉट एवर द थिंग यू कैन एंटर इन दिस बिजनेस बाय लॉट ऑफ वेज। सो टूडे वी हैव टेकन वन मार्केट वन कंट्री एंड आई विल लेट यू नो दैट वॉट आर द प्रोडक्ट्स यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल दैट यू कैन स्टार्ट यूर एक्सपोर्ट जर्नी बाय इम्पोर्टिंग समथिंग एंड देन एक्सपोर्टिंग। Okay, so be ready so to start that journey import and export and hum aaj baatein karne wale hain Nigeria ke bare mein. Okay, hi dosto, I'm KD Sushma, I'm author, trainer, business coach and 15 years ke experience ke sath jab bhi main international business ke liye coaching karti hu to bahut baar aisa lagta hai potential itna hone ke baad bhi log darte hain bahut aur shayad isliye nahi aage ja sakte, and that is why this series for you to aware yourself, to motivate you, and yes, you can do the confidence we want to give you. Yes, so let's start. So Nigeria we are talking about. So Nigeria's ki baatein agar kare, so what you can import from Nigeria. So this is the map of Nigeria, you can see. Okay, so about Nigeria agar kaha jaye, so Nigeria is 12th largest producer of petroleum in the world and 8th largest exporter of that product. So, जब भी आप किसी कंट्री के बारे में सोचते हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हो या फिर इम्पोर्ट के लिए हो, हमेशा मैं बताती हूँ कि कंट्री प्रोफाइलिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड ऑलवेज पीपल आर इग्नोरिंग दैट फैक्ट। सो दोस्तों, अगर सच में बिजनेस में आना है तो कंट्री के बारे में आपको जितना हो सके उतना जानना जरूरी है। तो अगर नाइजीरिया के बारे में बताया जाए, यहाँ पे मैंने बहुत कम दिया है, मतलब इतना बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन वी हैव जस्ट शॉर्टन इट फॉर द बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। बट स्टिल अगर एक कंट्री की बातें करें तो उसको एक्सपोर्ट वो क्या करते हैं और वो इम्पोर्ट क्या करते हैं, और तब जाके आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइजीरिया। नाइजीरिया मतलब आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम में पेट्रोल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वो एक्सपोर्टर भी है। रबर इज द सेकंड लार्जेस्ट नॉन ऑयल फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, मतलब समझ सकता है कि रबर का फॉरेन एक्सचेंज जितना मतलब वो अर्न करते हैं, इसका मतलब रबर का प्रोडक्शन एंड उसका एक्सपोर्ट एंड इसका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। सो यू कैन थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल कि आप उस प्रोडक्ट को ध्यान में रखे और नाइजीरिया को ध्यान में रखे, आप कुछ शायद कर सकते हो क्या, कुछ अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है क्या। एंड इतना ही नहीं, लेकिन नाइजीरिया में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो शायद आप आगे आपके अपॉर्चुनिटी के लिए बिजनेस के तौर पर भी सोच सकते हो। सो वॉट आर दैट, लाइक मेज का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, मेलॉन का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, माइलेट बहुत सबसे ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, पाम कर्नल, पाम ऑयल हो, प्लांटेन्स हो, राइस हो, रबर हो, सोरगम हो या फिर सोयाबीन हो। सो अभी आपको पता चला होगा एग्रीकल्चर लैंड जैसे इंडिया को भी बहुत ज्यादा मतलब हम रिसोर्सेस में बहुत रीच है, सेम थिंग नाइजीरिया में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे एज पर द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट वी आर ग्रोइंग सम कमोडिटीज, लाइक वाइज नाइजीरिया इज ऑल्सो ग्रोइंग सम कमोडिटीज एंड दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट ग्रोअर फॉर दैट प्रोडक्ट। सो यू कैन थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव, माइट बी यू कैन इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट इन इंडिया और रीप्रोसेस इट एंड अगेन एक्सपोर्ट इट, और अदरवाइज यू कैन इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट इन इंडिया, यू आर रीप्रोसेसिंग इट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द लोकल मार्केट, or else might be you can do like this, you can set up your unit, set up your manufacturing plant, trading plant in Nigeria and then procure that products domestically, process on that there only, and they can again you can export import from the in the world. So dosto bas itna batana hai mujhe ki don't limit yourself that export hi karna hai, matlab main banana kaise karu, onion kaise karu, ye kaise karu, wo kaise karu, just ओपन द हॉरिजॉन, जस्ट वाइडन योर स्कोप, और तब जाके आपको पता चलेगा सच में दोस्तों बिजनेस में कितनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। लाइक सो नाइजीरिया के बारे में अगर और भी बातें करें तो भी पता चलेगा, याम्स होगा, कोका होगा, बिन्स होगा। लाइक अभी आपने ये भी सुना होगा कोका कोला, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है वो भी, कोका बिन्स मतलब एंड कोला नट्स, इसके दोनों के मिक्सचर से बनाया गया।
So you can think like this, these preparations as well or these products as well. So एक समय पे ब्रांड भी बहुत बड़े बन सकते हैं. So इतने बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. कैशू नट्स बहुत बड़ा ग्रोअर है और बहुत बार इंडिया भी अभी करता है कि इंडिया इज इम्पोर्टिंग कैशूज फ्रॉम अफ्रीका. रॉ फॉर्म में यहाँ पे आते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके फिर हम एशियन कंट्रीज को बेचते हैं, यूरोपियन यूएसए को बेचते हैं. इंडिया इज एक्सपोर्टिंग दैट कैशूज. दो वी हैव दैट कैशू प्रोडक्शन इन इंडिया, स्टिल बहुत बार सरप्लस होता है, शॉर्टफॉल होता है. मतलब ये सारा बैलेंस का जो भी चक्कर है वो तो चलता ही रहता है. सो यू जस्ट थिंक ऑन द अपॉर्चुनिटी यू कैन टेक इन दैट, राइट? सो गम अरेबिक है, मतलब गम अरेबिक के बारे में भी बहुत कुछ है कि वो इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है. यू कैन थिंक इन दैट प्रोडक्ट एज वेल. ग्राउंडनट हो सकते हैं या फिर कसावा हो सकता है, कोका बीन्स हो सकते हैं या कोला नट हो सकता है. सो दोस्तों आपको बस मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप अगर अपॉर्चुनिटी को वाइडन करके अगर देख सकते हो तो दुनिया में ऐसे इतने सारे कंट्रीज अवेलेबल है जहाँ पे सच में स्कोप मिल सकता है. सो डोंट लिमिट यूर सेल्फ दैट यू जस्ट वॉन्ट टू एक्सपोर्ट ओनियन, बनाना, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड ये वो. यस, इंडिया को ही हमें ग्लोबल लेके जाना है, लेकिन क्यों ना ऐसे तरीके से भी हम इंडिया को ग्लोबल बना सकते हैं. बिकॉज एवरी कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट और वो हमेशा चलने वाला है, चलता ही रहेगा. That is why, because I am not promoting any import, but yes, I am promoting to export. But export इसका मतलब यही नहीं कि जो हमारे पास है वही भेजो. बहुत सारे countries भी ऐसे करती है, like they are importing from India, processing again on that, and then again exporting to India. So this is the way people are doing the businesses, and you should cope up with that possibilities. Yes. So just I will say, take action. Don't limit yourself. Don't stop by overthinking. Just take action. And if you want to take action, then we are here to help you. And that is why we are regularly organizing webinars for export import and how to learn the export import, what the basics, opportunities, risk, benefits, ye wo. Itna aise bahut sari baatein hum usme karte hain. So you can join yourself, register yourself, www.kdsushma.com/booknow. एक बार आपका अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया तो जितने भी वेबिनार हम फ्यूचर में कर रहे हैं उनका सारा नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा. यस, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जस्ट यूट्यूब का अगर चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है आपने आज तक तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर, लाइक एंड जस्ट ग्रो दिस बिजनेस वर्ल्ड वाइड एंड बी ग्लोबल. टेक एक्शन एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.